तो अब दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो टेस्ट होता है जो थ्रोट स्वैप नोज से नाक से या थ्रोट से लिया जाता है, एक टेस्ट होता है जो ब्लड से लिया जाता है। अब दोनों के अलग पर्पज हैं। जी, जो थ्रोट से लिया जाता है या नाक से लिया जाता है ये इंडिकेट करता है कि वायरस है कि नहीं है बॉडी। जी, जो ब्लड टेस्ट लिया जाता है वो एंटीबॉडी होती है। जी, वो एंटीबॉडी बताती है कि आपको पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है और अब उसका क्या हाल है। जी, तो दोनों के अलग अलग पर्पज हैं। जी, तो अभी जो टेस्टिंग है हमारे पास जो थ्रोट और नेजल था, तो 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। जी, और दूसरा जो रैपिड टेस्ट एबट लैब्स ने बनाया वो उससे भी जल्दी आ जाता है, 45 मिनट्स। जी, तो दोनों के डिफरेंट पर्पज हैं, ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सा किसको टेस्ट चाहिए। जी बिल्कुल, रैपिड टेस्टिंग एक पब्लिक में होगा एपिडेमियोलॉजी देखने के लिए कि इस एरिया में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ। जी, और जो नेजल स्वैब है ये देखने के लिए कि इसको बीमार है इसको एडमिट करना। जी,